अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अहमद। हम इस पे माचो हेयर ब्यूटी एकेडमी पे आज जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूं, आज जो मैं आपको गाइड करने वाला हूं हाउ टू कटिंग टिप्स एंगल्स एंड एलिवेशन। तो कुछ लोग ऐसे इंटरेस्ट रखते हैं कि जैसे मेरे पास बहुत से लोग कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि आप इस चीज के बारे में बताएं, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आ रहे हैं, इंस्टा पे आ रहे हैं, देन टिकटॉक पे भी आ रहा है, अगर टिकटॉक बड़ा चल रहा है इसके ऊपर। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइफ पार्टनर की अपने स्टाइलिंग करना चाहते हैं या लाइफ पार्टनर की कटिंग करना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हम अपने घर पे खुद हेयर कट करें, इस तरह के इंटरेस्ट करते हैं वो लोग। तो आज आप लोगों की वीडियो यूँ बना रहा हूँ कि आप लोग समझे इस चीज़ को, आप अपने पार्टनर के बाल अच्छे से बनाएं, आप चाहते हैं ना कि हमारा पार्टनर अच्छा दिखे लुक वाइज। तो इस तरीके से मेरा एक माइंड बना कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मतलब पार्टनर की स्टाइलिंग करते हैं, उलझ जाते हैं कैसे बनाएं, मतलब किस तरह का लुक रखें। तो देन मैंने चाहा कि इसके लिए मैं आप लोगों को वीडियो बना के दे दूँ ताकि आप लोग सोचें, उसको समझें कि आप किस तरह स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए सारी मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। आपको पूरी थ्योरी बताता हूँ हाउ टू स्टार्ट कटिंग हेयर। अब फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं हमें किसी ना किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो सेम एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास जब कट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमें डिग्री की मालूमत होनी चाहिए, डायग्राम पे हमें डिग्री देखनी होती है कि कौन सा हेयर किस डिग्री पे कट करना है, कौन सा हेयर किस डिग्री पे कट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि हम तार का टुकड़ा लेते हैं, नीचे छोड़ते हैं जमीन की तरफ, समझो उस समय 0 डिग्री होती है। अगर तार के टुकड़े का फिंगर लेके आप करते हैं, नॉर्मल आप करते हैं, हमारा 40 डिग्री आएगा, उससे आप करते हैं तो हमारा 90 डिग्री आएगा, और हम उससे आप कर जाते हैं तो हमारा 180 डिग्री आता है। ये एग्जाम्पल मैंने दिया आपको कि डिग्री कैसे निकाल सकते हैं, डायग्राम पे समझ निकाला, तार पकड़ गया उससे मालूम आ गया। और फॉर एग्जाम्पल कटिंग भी ऐसा सिस्टम है कि जैसे मैथ में हम समाज में आप करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, तो वही एग्जाम्पल इधर दिया मैंने कि डमी के ऊपर हाउ टू स्टार्ट कटिंग हेयर। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं हमें किसी ना किसी चीज़ की नीड होती है, ऐसे हम जब हेयर कट करते हैं हमारे पास फर्स्ट कॉम होना चाहिए, सीजर होना चाहिए, ये चीज़ें बिल्कुल बस ये कि दूसरी हमारे पास होनी चाहिए। और अब हम आते हैं डिग्री के ऊपर, हमें डिग्री का मालूम होना चाहिए। डिग्री का मालूम कैसे होगा, जैसे हम तार पकड़ते हैं, तार को हमारा नीचे की तरफ आता है, जमीन की तरफ हमारा ये आ गया 0 डिग्री। अब इसको हम जैसे अप करते हैं, अप करेंगे तो ऊपर फिंगर पे लेके अप करेंगे तो ये आ गया हमारा 40 डिग्री, इससे अप करेंगे ये हमारा डिग्री इसमें आ जाएगा 90 डिग्री, इससे अप करेंगे तो हमारा 180 डिग्री। ये हमारे डिग्री की मालूमत कैसे ले सकते हैं, और हम डायग्राम में पढ़ते हैं, डायग्राम के ऊपर भी बिल्कुल ऐसी डिग्री बताई होती है, बट उसमें थोड़ा सा इंसान कन्फ्यूज रहता है। अब तार पर मैंने आपको गाइड कर दिया इसके ऊपर, आप इसके ऊपर गाइड करना चाह रहा हूँ डमी के ऊपर ताकि आप लोगों को पूरा प्रॉपर्ली समझ आए इस चीज़ की कि आप किस तरह इस पर डिग्री निकाल सकते हैं, किस तरह बढ़ा सकते हैं। और जैसे कि ऑल ओवर चीज़ें मैंने सारी बताई आपको, अब हम आते हैं हेयर के ऊपर। और हेयर में ऐसे मुख्तलिफ किस्म होती हैं, जैसे कि लाइट हेयर भी होते हैं, थिन हेयर भी होते हैं, और हेवीनेस भी होते हैं, हैवी हेयर भी होते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा हेयर को कंट्रोल कैसे करना है, ये चीज़ें वैसे ऑल ओवर चीज़ें सारी मैंने आपको बता दी। अब ये बताना है कि हेयर को कंट्रोल कैसे करना है, और वो चीज़ें सारी चीज़ें मैं आपको डमी पे गाइड करूँगा, और डमी पे सारी ऑल ओवर डिग्री बताऊँगा आपको, ऑल ओवर एलिवेशन बताऊँगा, एलिवेशन का मतलब क्या, एलिवेशन कैसे करते हैं, एलिवेशन किसे कहते हैं, और ये सारी चीज़ें हम उसकी मैं आपको कम्प्लीटली इस डमी में बताऊंगा, क्योंकि डायग्राम पे आपको समझ नहीं आएगी, कंफ्यूज रहेगा थोड़ा सा बंदा, एलिवेशन के सेक्शन पता चलेगा, हॉरिजॉन्टल डायगोनल कौन सी डिग्री काम कर रहे हैं, कौन सी डिग्री यहाँ पे कौन सी डिग्री यूज करते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें सारी मैं आपको इसमें गाइड कर दूंगा, अभी आपको मैंने कम्प्लीटली बताऊंगा इसके ऊपर। आप देखेंगे ये हम फर्स्ट ये है कि हमारा, अब मैं आपको बता दूँ एलिवेशन का मतलब, एलिवेशन का मतलब डिजाइन करना। अब मैं बताता हूँ एलिवेशन का डिजाइन भी तो बता दिया मैंने आपको, एलिवेशन मतलब डिजाइन करना। अब मैं इसमें पार्टिंग करेंगे, पार्टिंग करेंगे उसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद फिर हम इसमें डिजाइनिंग करेंगे। हेयर कट करने से पहले कैसे हम डिजाइनिंग करते हैं, पार्टीशन की कैसे हम सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, ये सारा आपको बताऊंगा इसमें। अब हम आते हैं एलिवेशन पे, एलिवेशन का मतलब जैसे मैंने बताया डिजाइन करना, सबसे पहले हमने पार्टीशन करनी है। पार्टीशन मतलब ये हमें पहले यहाँ से बीच से लोज वाली ये देखें, लोज से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा फ्रंट से लेके बैक तक पूरा एक सेक्शन हमने मांग निकाल ली। ये देखिए फ्रंट से मैंने निकाल दिया आपको, अब ऐसी बैक से दिखाऊंगा आपको, बैक से मैंने सेम क्वेश्चन वैसे लिया है, ये मेरा बैक आ गया इसके ऊपर, ये देखो ये हमारी गियर लाइन पूरी कंप्लीट आ गई इस पे, मेरा फ्रंट हम दोबारा आ जाएंगे जैसे ही फ्रंट पे आते हैं। अब इसका हम पूरा कंप्लीटली काम करने के बाद साइड से लेंगे, ये हमारा साइड से एरिया, ये देखें यहाँ से हमने क्लिप लगा देना है, कंप्लीट पैक कर देना है इसको, ये हमारा क्लिप आ गया। ये हमने अभी इसके दो सेशन लिए बैक से भी, फिर यहाँ से हमने इसको भी यहाँ पे क्लिप लगा देंगे, होल्ड कर देंगे, और इस साइड से भी दोबारा हम आएंगे, इसके आगे हम अपने यहीं से लेंगे गियर के लेके यहाँ से ये क्लिप लगा दिया हमने, ये देखिए यहाँ से मैंने लगा दिया, और ऐसे ही हम बैक पे भी लगा देंगे, और ये हमारा कम्प्लीटली हो गया, यहाँ पे भी क्लिप लगा दिया हमने, ये देखें आप दोनों तरफ से दिखाता हूँ, यहाँ से भी देखें आप, और फ्रंट से देखें अलग सेक्शन निकला हुआ इसका, और बैक से वैसे अलग आ रहा है। तो ये हमारा पूरा कम्प्लीट हो गया, ये हमारा हमने डिवाइड कर दिया पूरे हेयर को, फर्स्ट हमने डिवाइड कर दिया। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा आपको कि 0 डिग्री के बारे में, 0 डिग्री कैसे पता चलता है, 0 डिग्री क्या है, हमें मालूम कहते हैं होता है 0 डिग्री का। तो हमारे में मालूम यह है कि जैसे कि आप पहले लगेंगे हमारे पास कौन, जब हम कॉम करते हैं तो इस किस तरह होता है, जमीन की तरफ होता है। तो ऐसी बालों को भी ऐसे ही देखा जाता है कि जब बाल हम छोड़ते हैं ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो उस तरह जमीन की तरफ होता है। तो ये समझ लें कि ये हमारी 0 डिग्री है, ये हमारी 0 डिग्री है। 0 डिग्री ऐसे हम मालूम लगा सकते हैं कॉम करते हुए, जब कॉम साइड लगे, जब कॉम करें हमारे कॉम करो किस तरफ है, नीचे जमीन की तरफ है, तो समझिए हमारी 0 डिग्री की तरफ जा रहा है। तो हमें मालूम हो जाना चाहिए कि हमारा 0 डिग्री आएगा। अब एग्जाम्पल चारों तरफ से ऐसे ही आएगा, यहाँ से हम कॉम करते हैं, कॉम करो देखिए कैसे नीचे की तरफ आ रहा है, जमीन की तरफ
पूरा टोटल ये चार्ज पे 0 डिग्री आएगा हमारा, इससे भी 0 डिग्री के पास चला जाएगा। ये देखिए ये भी हमारा कंप्लीटली 0 डिग्री पे आता है। जिससे हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा काम का रुख नीचे होता है, इससे आइडिया लगता है कि ये 0 डिग्री है। देन हम आते हैं इसके ऊपर, अब हम स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री का। वैसे आपको पता चल गया होगा, मैंने आपको बता दिया है। अब हमारा आ गया 180 डिग्री। अच्छा 180 डिग्री का हम कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले काम करेंगे, ये देखिए हम इतना सा छोटे सेशन लेंगे जो आपके हैंड पे आ जाए, कवर भी हो जाए, आप उनको कवर भी कर सको, ज्यादा नहीं। ये देखिए ये हमने काम करते हैं साथ में, इसको जब लेके जाएंगे ऊपर, ये देखिए हम छत की तरफ इशारा करते हैं। आप इस तरफ काम कर रहे हैं ना, हमारा रुख किस तरफ है? ऊपर की तरफ है। समझो कि हमारा 180 डिग्री जा रहा है, लास्ट हम ऊपर गए, यहाँ पे जाके ये हमारा 180 डिग्री यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। हम काम भी नीचे से ऊपर करें तो ऊपर जा रहे हैं, हम नीचे की तरफ करते हैं हमारा काम जमीन तरफ होता है। अब हम ऊपर काम कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ रुख है हमारे काम का। समझो कि ये हमारा आ गया 180 डिग्री, यहाँ पे हम 180 डिग्री कंप्लीट करेंगे। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं हम काम कर रहे होते हैं, काम की मदद से हमें पता चलता है कि हम 180 डिग्री पे कर रहे हैं, 180 पे कर रहे काम या 0 डिग्री पे काम, ये हमारी मालूम आता है 180 डिग्री। सेम एग्जैक्टली ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। मैंने आपको 2 डिग्री बता दी और अच्छे से बता रहा हूँ, आप ये चीज़ें आप नोट करिएगा, ये चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। अब हम आते हैं 90 डिग्री पे। 90 डिग्री क्या होता है, कैसे पता चलता है 90 डिग्री का, और इसमें वर्टिकल सेक्शन भी आता है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी आता है, उसके मैं बता दूंगा साथ साथ आपको। सेम वैसे ही हम 2 सेक्शन लेंगे इसके, ये देखिए ये भी कंप्लीट कर दिया मैंने, हाफ डिवाइड कर देंगे इसको, हाफ हमारे एक सेट पे आ गए और हाफ हमारे यहाँ आ जाएगी सेट पे। देखिए हमने कंप्लीट करना है, एंड सबको हम लेके जाएंगे ऊपर, यहाँ पे हम लेके जाएंगे ऊपर इस पे, तो ये हमारा जाएगा 90 डिग्री को। 90 डिग्री का कैसे मालूम होगा, और ये पूरा कंप्लीटली जाकर इसको ये हमारा 90 आ गया। इस चीज़ से आपने आइडिया लगा लिया होगा कि 90 डिग्री का कैसे मालूम होगा दुनिया में। काम करें तो 0 डिग्री हमारा ये आ गया, और वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल कट होता है सेक्शन होता है वो, और वो भी ऐसे ही जाके 90 पे जाके कटता है। ये देखिए यहाँ पे काम करेंगे, बिजी बता रहा हूँ इसे, ये काम करके जैक पे आएगा, ये देखें तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो कंप्लीट करते हैं इसके ऊपर। अब मैंने ये सारी चीज़ें बता दी इसके ऊपर कि हमने कौन सी डिग्री का कैसे मालूम करना है, 90 डिग्री क्या है और 180 डिग्री क्या है, 0 डिग्री क्या है, ओरिएंटल क्या है, वर्टिकल सेक्शन क्या है, इसकी सारी ही नॉलेज मैंने दी थी। अब ये देखो कि बाल जब भी हम अच्छे से वॉश किए होंगे, अच्छे से आपने हम डमी पे करना था, रियल हेयर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जो लोग भी ऑल ओवर काम कर रहे हैं और डिग्री का मालूम होना चाहिए, अक्सर लोग कोई क्लाइंट ऐसे भी आते हैं जिनके बाल नहीं कटे होते। एक चीज़ और बता दूंगा कि मेल पे भी यही थ्योरी है, फीमेल पे यही थ्योरी है। मेल के हेयर कट पे भी 0 डिग्री स्टार्ट होता है, 180 होता है, 45 होता है, मतलब ऑल ओवर एक ही डिग्री चल रहा है इसके ऊपर जो स्टार्ट करते हैं हम। थ्योरी सेम है, बस मेल के हेयर शॉर्ट होते हैं, वो ट्रिम अलग तरीके से करते हैं। तो आज जो हमारा कम्प्लीटली था, जो सेक्शन आपको दिया हुआ था, हमने जो गाइड करना था वो हमने कम्प्लीट कर दिया। अब मैंने आपको डिग्री बता दी, 0 डिग्री, 180 डिग्री, लेकिन हमारा आज का सेक्शन था कम्प्लीट हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हमने और भी बताया कि कट करते हैं, मतलब सीजर कैसे पकड़नी है, कट कैसे करना है, किस तरह कटिंग करनी है, कॉम कैसे पकड़ना है। अभी मैंने आपको थ्योरी 0 डिग्री का बताया, सेक्शन का बताया, हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल सेक्शन क्या है, 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री कहते कितने हैं, एलिवेशन क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें गाइड कर दी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, सब्सक्राइब करना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।